यसाया और उसका 55वां बाब जो 13 आयात पर मुश्तमिल है। ऐ सब प्यासो पानी के पास आओ, और वो भी जिसके पास पैसा ना हो, आओ मूल लो और खाओ। हाँ आओ, मैं और दूध बेजर और बेकीमत खरीदो। तुम किस लिए अपना रुपया उस चीज के लिए जो रोटी नहीं, और अपनी मेहनत उस चीज के वास्ते जो आसूदा नहीं करती खर्च करते हो? तुम गौर से मेरी सुनो, और वो चीज जो अच्छी है खाओ, और तुम्हारी जान फरबही से लज्जत उठाए। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो और तुम्हारी जान जिंदा रहेगी, और मैं तुमको अब्दी अहद यानी दाऊद की सच्ची नेमतें बख्शूंगा। देखो, मैंने उसे उम्मतों के लिए गवाह मुकरर किया, बल्कि उम्मतों का पेशवा और फरमारवा। देख, तू एक ऐसी कौम को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और एक ऐसी कौम जो तुझे नहीं जानती थी, खुदावंद तेरे खुदा और इसराइल के कुदूस की खातिर तेरे पास दौड़ी आएगी, क्योंकि उसने तुझे जलाल बख्शा है। जब तक खुदावंद मिल सकता है उसके तालिब हो, जब तक वो नज़दीक है उसे पुकारो। शरीर अपनी राह को तर्क करे और बद किरदार अपने ख्यालों को, और वो खुदावंद की तरफ फिरे और वो उस पर रहम करेगा, और हमारे खुदा की तरफ, क्योंकि वो कसरत से मुआफ़ करेगा। खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं, और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं, क्योंकि जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है, उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं। क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश होती और बर्फ पड़ती है और फिर वो वहाँ वापस नहीं जाती, बल्कि ज़मीन को सैराब करती है और उसकी शादाबी और रोइदगी का बायस होती है, ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी दे, उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुँह से निकलता है होगा, वो बे अंजाम मेरे पास वापस ना आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा, और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा मुसर होगा। क्योंकि तुम खुशी से निकलोगे और सलामती के साथ रवाना किए जाओगे, पहाड़ और टीले तुम्हारे सामने नगमा परदाज होंगे, और मैदान के सब दरख्त ताल देंगे, कांटों की जगह सनोबर निकलेगा, और झाड़ी के बदले आस का दरख्त होगा, और ये खुदावंद के लिए नाम और अबदी निशान होगा जो कभी मुनकता ना होगा।